फूक खत्म हो जाएगी, फूक मुझे लगी ओके गाइस, सो द स्टोरी इज मैं लास्ट ईयर जो मेरा बर्थडे था तब मैंने लिया था होंडा क्रेटा मेरे खुद के पैसों से. एंड दिस ईयर लाइक लास्ट ईयर मैं गई थी कुछ एक बड़ी लग्जरी कार लेने के लिए, लाइक मर्स लेने के लिए मैं लास्ट ईयर गई थी, मर्सिडीज बेंज. बट मुझे वहाँ पे जाके रियलाइज हुआ कि आई शुड बाय अ गुड हाउस फॉर मी रेदर देन स्पेंडिंग माई मनी, माई हार्ड अर्न मनी एक मर्सिडीज़ में. मैं उसको स्पेंड करना चाहूँगी अपनी एक प्रॉपर्टी में. सो मैंने लास्ट ईयर डिसाइड किया था कि मुझे एक अच्छा सेक्सी सा हाउस चाहिए मेरे लिए. एंड मेरी ईगो ना इंटरनली बहुत हर्ट है थी, तो मतलब मैं चाहती तो एक छोटे सा फ्लैट ले सकती थी या फिर कोई 3 BHK का फ्लैट ले सकती थी. बट जो हाउस मैंने लिया है, यस मेरा बर्थडे गिफ्ट है, मेरा हाउस, मेरा खुद का हाउस, मेरे पैसों का घर, मेरी अपनी कमाई के पैसों का घर और मेरी हार्ड एंड मनी के पैसों का घर, जिसमें मैंने एक पेनी भी किसी तीसरे बंदे की नहीं लगाई है, ये मेरे पैसों का घर है और जो मैंने अपने आप को गिफ्ट करा है. एंड बहुत ही पॉश एरिया में मैंने किया है, लाइक फरीदाबाद के. एंड इसको बनाने के लिए मेरी मम्मी सिस्टर सब कुछ एक हुआ है, मुझे पता है मैंने इसको कैसे बिल्ड करा है. मैंने मार्च में ये घर यू नो बाय कर लिया था एंड वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है. बट 21 जुलाई को मतलब मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे पूजा करनी है, तो इतना वो कंस्ट्रक्ट मतलब बन चुका है कि वहाँ पे पूजा हो सके. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल हाउस. एंड मतलब उस घर को लेने के बाद वो एक बात की स्टोरी है, मैं आराम से डिस्कस करूँगी कि एवरीथिंग उसकी पूरी जर्नी की वो घर कैसे है. बट लास्ट ईयर ही मैंने डिसाइड कर लिया था अपने बर्थडे पे कि मैं उस सेक्टर में घर लूँगी, और वो घर उस टाइम बनना स्टार्ट हुआ था और मुझे वही घर चाहिए था और मैंने वही घर लिया है. एंड आई एम वेरी हैप्पी. कल पूजा है मेरे घर में एंड उसी की सारी तैयारियाँ चल रही हैं. कल मेरी पूरी फैमिली आएगी यहाँ पे, सुंदरकांड का पाठ है एंड 21 जुलाई को. एंड रात को मैं मेहंदी भी लगवाऊंगी बिकॉज इट्स अ रियली बिग थिंग फॉर मी. मैं कभी सोचती थी बचपन से कि मेरे पास मेरा खुद का घर होगा या खुद की यू नो खुद की छत होगी. एंड गोइंग थ्रू फ्रॉम लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन, मेरे को ये फील हुआ कि हर लड़की के पास खुद का घर होना चाहिए, क्योंकि मैरिज के बाद आपको जो आपके हस्बैंड होते हैं वो बोल देते हैं कि ये मेरा घर है, इन लॉज बोल देते हैं ये मेरा घर है, और अगर आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हो वो बोलते हैं कि अपने घर जाओ, तो घर लड़कियों का रह नहीं पाता. तो मैं एक टाइम पे ना ऑलमोस्ट लाइक ऑन अ रोड, आज से 1.5-2 साल पहले तो मैं ऑलमोस्ट रोड पे थी. मतलब 2 दिन तो मैंने कैसे बिताए मुझे पता है, बट मैंने ये घर बनाया खुद की मेहनत से बनाया. और मैंने इस घर को बनाने के लिए इसका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत मतलब आई कांट एक्सप्लेन. अभी हम इन्जॉय करते हैं, बर्थडे मनाते हैं. ये जो स्टोरी है बहुत ही पेनफुल है, वो मैं आराम से बताऊंगी. बट या आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड. एंड मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली एंड हम लोगों ने लंच रखा है एंड सब आएंगे एंड हम लोग शूट करेंगे व्लॉग, अच्छा खासा व्लॉग. सो गाइज, दिस इज माई हाउस. अभी तैयारियाँ चल रही हैं. ये है अंकिता, ये है हेलो बोल. अरे बता, चीटिंग कितनी करी सुबह सुबह, क्या क्या छोले भटूरे खाए? कुछ भी नहीं खाया. हेलो बोल. पागल बना दी भैया. हेलो बोल भाई. शो द भैया. सो गाइस, दिस इज माय हाउस एंड दिस इज माय मंदिर जहाँ पे पूजा होना है अभी. एंड आई शो यू द किचन. यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है एंड इट्स अ ब्यूटिफुल किचन, वेरी बिग किचन. एंड बेस्ट थिंग इज दैट सिंक एरिया इज सेपरेटेड. आई शो यू द किचन एवरीथिंग लेटर ऑन. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाउस. सो जो घर मैंने अपने लिए लिया है एंड इसमें मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है. मैंने बहुत तरीके से इसके लिए काम किया है, हार्ड वर्क करा है. एंड जो घर मैंने सोचा था कि मुझे लेना है, मैंने वही घर लिया है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़. सेकेंड इज, मेरा टारगेट बहुत ही क्लियर रहता है. यू गाइस कैन से दैट आई एम क्वाइट सनकी काइंड ऑफ अ पर्सन, बट जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए. एंड उसके लिए मुझे कितना भी काम करना पड़े, कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, अपनी नींद ख़राब करनी पड़े, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए.
एक स्टेज था जब मैं ऑलमोस्ट ऑन द रोड थी, मेरे पास कोई छत नहीं थी, कुछ भी नहीं था. मैंने जो ये बिल्ड करा है घर, इट्स लाइक 3 BHK का बहुत ही ब्यूटिफुल एंड बिग हाउस है, जो कि इंटीरियर बहुत क्लासी हुआ है, जो मैं कल आपको दिखाऊंगी. अभी मैंने इसके अंदर फर्नीचर एंड कर्टन्स नहीं लगाए हैं, वो पूरा अगस्त मेरा शॉपिंग में जाएगा फर्नीचर एंड कर्टन्स का. सेप्टेम्बर 1st week में आई विल बी मूविंग देयर. बट इस घर को बनाने के लिए, मतलब ये एक होता है, मैं चाहती तो अपनी लाइफ को ईजी कर सकती थी. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन टेक सम छोटा मोटा फ्लैट, लाइक 3 BHK का कोई छोटा सा फ्लैट किसी अच्छी सी सोसाइटी में मैं लेके अपने आप को शांत कर सकती थी. बट प्रॉब्लम ये होती है, व्हेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट, व्हेन योर ईगो हर्ट, यू हैव टू सेटिस्फाइड योर ईगो. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉम, डिक और हैरी आपको रोड पे कर देगा एंड आप रोड पे ही मरोगे. नो, दिस हाउस इज लाइक चाटा है बहुत तगड़ा उन बंदों के लिए जिन्होंने मुझे इंसल्ट करा है. बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन अपनी ज़ुबान से किसी को जवाब दे. अगर सामने वाला मेरे साथ कुछ रॉन्ग कर रहा है या मुझसे पंगे ले रहा है, मैं उससे बात नहीं करती, मैं सीधा उसको आंसर करती हूँ. दिस हाउस इज़ अ आंसर फॉर दोज जिन लोगों ने मेरे को लेट डाउन करा था, जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था, या फिर जिनकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुआ है. बिकॉज मेरे को भी बिलीव नहीं हुआ था जब मैंने इसका पे आउट किया था, लाइक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया था अपने घर का. मेरा फाइनेंशियल जो था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मेरे को उसका फुल अमाउंट पे करने के लिए 6 months मिले थे. सो उन 6 months में मैंने बहुत ही सीट के मतलब तरीके से अपने आप को सेट करके काम किया है एंड ये घर मैंने बाय किया है. सो सिंपल फंडा इज, कोई आपकी ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करता है, वो बहुत ज़्यादा इंटरनली आपको पिंच करती है, तो आप उसको कहीं ना कहीं एग्रेशन में निकालते हो. कुछ लोग दारू पीते हैं, कुछ लोग आवारागर्दी करते हैं, कुछ लोग कुछ भी बकवास चीज़ें करते हैं या एनीथिंग. बट मेरा ये फंडा है, काम से जवाब दो, बात करने की ज़रूरत ना पड़े, सामने वाला आपके काम से समझे. सेकंड पॉइंट इज कि अब जो भी मेरा पास्ट था या जो भी मेरा पास्ट में हुआ पिछले डेढ़ दो साल में जो भी मैंने सफ़र किया, मेरे ब्रेन और मेरा हार्ट जो भी था, जो भी हर्ट हुआ, बट आफ्टर मूविंग टू दिस हाउस, बिकॉज दिस हाउस इज़ लाइक अ बिग थिंग फॉर मी, मैं अपना जो लाइफ है एक न्यू जर्नी स्टार्ट करूँगी. मेरा जितना भी पास्ट किया था उन सबको मैं हटा चुकी हूँ अपने माइंड से एंड आई एम लाइक अ वेरी हैप्पी गो लकी. मेरा जितना गुस्सा था मैंने ये घर खरीद के शांत किया है अपने आप को एंड मेरी ईगो जो है वो बहुत सेटिस्फाइड हुई है. बिकॉज मुझे ये फील हुआ है कि नो, आई एम नॉट ऑन अ रोड, आई कैन डू दिस. सो या, कल सुबह फंक्शन है, सुंदरकांड का पाठ है एंड पूजा है एंड वहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं. रात को 12 बजे आई एम गोइंग देयर फॉर चेकिंग आउट ईच एंड एवरी प्रिपरेशन. वहाँ पे बंदे लगे हुए हैं एंड लेके चलूंगी मैं आपको वहाँ पे. सो या, इट्स अ न्यू बिगनिंग एंड थैंक यू ईच एंड एवरी पैक टू फेफ का फैमिली मेम्बर एंड यू. मेरे क्या दो बिजनेस है जो मैं करती हूँ या फिर क्या चीज़ एग्जैक्टली है माई अर्निंग पॉइंट, कि किस तरीके से मैं क्या चीज़ें रन करती हूँ. मैं आने वाले बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे शूट करूँगी बिकॉज अब मैं थोड़ी फ्री हूँ, माई माइंड इज़ फ्री एंड या. सो कीप ऑन वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी पैक टू फैमिली मेम्बर या व्यूवर्स who support me, who blessed me, जिन्होंने मेरे tough time में भी मुझे blessing ही दी है. So thank you so much. देखो इस राह में थोड़ी सी रोशनी है अभी, जिंदा हूँ अभी, बाकी हूँ अभी, मेरी हर सांस में थोड़ी सी जिंदगी है अभी, जिंदा हूँ अभी, जिंदा हूँ अभी. Shikar ka bhi hai.